दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों पहली खबर में देखिए, बिहार में जहरीली देसी शराब पीने से 28 लोगों की दर्दनाक मौत। पहले आंख की रोशनी गई फिर निकली जान। जी हां देखिए दोस्तों, बिहार के सारण जिले में संदिग्ध स्थिति में मंगलवार की रात से लेकर बुधवार की शाम तक 28 लोगों की मौत हो गई। सभी लोगों की जहरीली शराब पीने से जान जाने की आशंका है। वही देखिये इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों के बाद सारण से लेकर पूरे सूबे में खलबली मची हुई है। अपने के मरने पर परिजनों के बीच चीख पुकार से पूरे इलाके में मातम का माहौल है। वही अस्पताल में इलाज कराने वाले कुछ लोगों की आंखों की रोशनी कम होने की भी शिकायत मिल रही है। आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या को लेकर न आधिकारिक तौर पर पुष्टि की जा रही है और न ही परिजन शराब से मौत के बाद कबूल रहे हैं। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस शराब से मौत होने की पुष्टि के बाद प्रशासनिक स्तर पर कही जा रही है। वही देखिए मरने वाले 28 लोगों में सबसे ज्यादा मसरक के 19 और शेष 9 लोग इसवापुर, अमनौर और मडवारा के शामिल है। अभी भी कई लोगों का इलाज सदर अस्पताल छपरा, निजी क्लिनिक व पटना में चल रहा है और स्थिति गंभीर बनी हुई है। कुछ लोगों को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। दूसरी तरफ में देखिए, जहरीली शराब से मौत पर बिहार विधानसभा में हंगामा। गुस्साए नीतीश बीजेपी विधायकों से बोले, तुम लोग शराबी हो। जहाँ देखिये सारण छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार को भारी हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने वेल में उतरकर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार विपक्षी विधायकों पर भड़क गए। उन्होंने बीजेपी विधायकों को ही शराबी कहकर संबोधित कर दिया। इसके बाद वे सदन की कार्यवाही छोड़कर चले गए। आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई जैसे शुरू हुई, विपक्षी दल के विधायकों ने जहरीली शराब से मौत के मुद्दों पर सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं बीजेपी विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में उतर आए और हंगामा करने लगे। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने उन्हें शांत होने के लिए कहा, लेकिन वे वेल में ही डटे रहे। इसके बाद विपक्ष के नारेबाजी से सीएम नीतीश कुमार सदन में गुस्सा हो गए। वे अपनी सीट पर खड़े हो गए और बीजेपी विधायकों से कहा कि तुम लोग ही शराब बिकवा रहे हो, तुम लोग ही शराबी हो। उन्होंने आगे कहा कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कितना हल्ला करोगे। दूसरी तरफ में देखे, शराबबंदी पर सीएम के गुस्सा और ऋतु तड़ाक से दुखी बीजेपी ने कहा, नीतीश सॉरी बोले तभी विधानसभा चलने देंगे। या देखे सारण में जहरीली शराब से हुई मौतों पर विधानसभा में उत्तेजित होकर विपक्षी सदस्यों की ओर से की गई नारेबाजी और मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खफा दिखे। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग शराब की बिक्री करवा रहे हैं। गुस्से में कहा कि सब भाजपा वाले ही करवा रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिये इसके बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम पर सदन के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सीएम ने ऐसा कोई अपमानित आचरण नहीं किया कि वह माफी मांगे। आगे बड़ी खबर में देखिए, सारण में मौत पर हमलावर बीजेपी को तेजस्वी ने दिया जवाब। कहा, जब भाजपा खुद सत्ता में थी तब क्यों नहीं बोली। या देखिए भाजपा द्वारा जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मसले को लेकर सदन नहीं चलने देने पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा बताए कि उनके शासन काल में जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हुई थी। भाजपा के मंत्री के घर जब शराब पकड़ी जाती तब उस मामले में पार्टी कुछ नहीं बोलती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शराबबंदी से पहले भी जहरीली शराब से लोगों की मौत होती थी। जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है वहाँ भी जहरीली शराब से मौत होती है। आगे उन्होंने कहा कि दरअसल भाजपा नहीं चाहती है कि सदन में जनहित के मुद्दे उठे। विधानसभा का शीतकालीन सत्र छोटा है, सिर्फ 5 दिन का ही सदन की कार्रवाई चलनी है। आज को हटा दे तो सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में भाजपा को रचनात्मक विपक्षी की भूमिका निभानी चाहिए थी। विपक्ष को सदन में जनता के मुद्दे को उठाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि भाजपा को सदन में सिर्फ हंगामा करना है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महागठबंधन की सरकार जो वायदे किए हैं उसे पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। आगे देखिए, सीएम नीतीश की कांग्रेस विधायकों को चेतावनी, शराबबंदी पर बयानबाजी बंद कर दे। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के सहयोगी कांग्रेस के नेता शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। इसे लेकर नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कांग्रेस विधायक को सख्त चेतावनी दी है कि वे शराबबंदी पर बयानबाजी बंद कर दे। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में शराबबंदी जब लागू हुई थी तब कांग्रेस के विधायक इस विभाग के मंत्री थे। सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को महागठबंधन की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी जब लागू हुई तो कांग्रेस के विधायक इस विभाग के मंत्री थे,
सभी दलों की राय और सहमति से शराबबंदी लागू हुई है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि शराबबंदी पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पैसे से जुड़े लोगों को वैकल्पिक रोजगार के माध्यम से जीविका चलाने के लिए 1,00,000 रुपए दिए जा रहे हैं। देखा जाएगा कि किसी गरीब को इस आड़ में बेवजह सताया ना जाए। दरअसल कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने पिछले दिनों कहा था कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद हर जगह दारू मिल रही है। सरकारी अधिकारी इसके जिम्मेदार हुए तस्कर से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर शराबबंदी सख्ती से लागू नहीं हो पा रही है तो इस पर विचार करके इसे खत्म कर दिया जाए। वहीं देखिए, सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में बीते 6 साल में जहरीली शराब से 1,000 लोग मरे, माफी मांगे सीएम नीतीश कुमार। याद देखिए, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार विधानसभा में भाजपा सदस्यों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से लोगों की मौत पर दुखी होने और शराबबंदी की समीक्षा करने के बजाय इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री का आवेश में आना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि सीएम बात बात पर आपा खो रहे हैं, जबकि शराबबंदी के बावजूद पिछले 6 साल में प्रदेश में जहरीली शराब से 1,000 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा पूर्ण मद निषेध के पक्ष में है, लेकिन इसकी समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा का मतलब शराबबंदी समाप्त करना नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शराबबंदी लागू करने में पूरी तरह विफल है, जबकि यह गुजरात में बेहतर तरीके से लागू है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 77,000 शिक्षकों की नौकरी से निकालेगी नीतीश सरकार, इस कारण बर्खास्त होंगे टीचर, ऊपर से केस भी होगा। याद कि बिहार में सरकारी स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित 77,057 शिक्षकों को बर्खास्त किया जाएगा, साथ ही इन शिक्षकों पर FIR भी दर्ज होगा। वही देखिए, सरकारी स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल होने वाले शिक्षकों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी ब्यूरो ने शिक्षक के विरोध FIR दर्ज करने की अनुमति मांगी है। दरअसल शिक्षकों से कई बार प्रमाण पत्र मांगे गए, लेकिन शिक्षक उन्हें उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जांच के लिए निगरानी विभाग को 77,057 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर नहीं मिले हैं। विभाग ने योग्यता सूची के आधार पर शिक्षकों के अंक पत्र की जाँच करने का आदेश दिया है। बड़ी खबर में देखिए, स्टेशन पर अब नहीं करना होगा इंतजार, अब 20 किलोमीटर दूर से बुक कर सकेंगे जनरल रेल टिकट, पटना जंक्शन पर शुरू हुई सुविधा। याद देखिए, बिहार में रेल से सफर करने वाले यात्रियों को अब पहले से अधिक सुविधा मिलने जा रही है। अब रेल यात्रियों को जनरल टिकट लेने के लिए घंटों लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब राज्य के रेल यात्रियों को रेलवे मंत्रालय के निर्देश पर दानापुर मंडल ने UTS ऐप से अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए तय की गई दूरी को बढ़ा दिया गया है। दरअसल अब जनरल टिकट लेकर सफर करने वाले यात्री अब अपने मोबाइल के कैप के जरिए यात्रा शुरू करने से पहले स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर से ही टिकट बुक करा सकेंगे। हालांकि इससे पहले भी रेल यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन उसमें यह सुविधा ऐप पर 5 किलोमीटर के दायरे में ही मिल पाती थी। इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो गया है। रेलवे मंत्रालय के निर्देश पर पूर्व मध्य रेलवे में इसकी शुरुआत कर दी गई है। बाड़ी खबर में देखिए, बिहार में 15 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठंड, मोतिहारी पूर्णिया समेत कई इलाकों में घना कोहरा, पटना समेत 12 जिलों की हवा सर्वाधिक प्रदूषित। जब देखिए, बिहार के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में ठंड बढ़ने में अभी 2 से 3 दिनों का समय और लग सकता है। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में जैसे ही पछुआ हवा का प्रभाव शुरू हुआ था, बिहार के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन उसी बीच बंगाल के खाड़ी में एक चक्रवात विकसित हुआ। इसके प्रभाव से राज्य में आंशिक रूप से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो गई है। वहीं बीते कुछ दिनों में कई शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाड़ी खबर में देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा सरकार के विभागों में 9.89 लाख पद खाली। जहाँ देखिए, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 9.89 लाख पद खाली है। सरकार ने बुधवार को लोकसभा को जानकारी दी है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि वह विभाग के भुगतान अनुसंधान विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों में 9,89,327 पद खाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि खाली पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है, जिन्हें केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों या संगठनों की जरूरत के आधार पर भरा जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने खाली पदों को समय पर भरने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिन्हें रोजगार सृजन के साथ साथ युवाओं को अच्छे अवसर दिलाने व राष्ट्र के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने में प्रेरक के तौर पर काम करने की उम्मीद की जा रही है।
बड़ी खबर में देखिए, यूपी और बिहार में लाखों अभ्यर्थियों ने छोड़ी सीजीएल परीक्षा, आंसर की जल्द होगा जारी। जहाँ देखिए, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2022 टीयर 1 से 13 दिसंबर तक कराई गई। वहीं देखिए, मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार में पंजीकृत 9,24,110 अभ्यर्थियों में से 4,64,583 उपस्थित रहे, जबकि 4,59,527 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में पंजीकृत 6,73,638 में से 3,24,427, जबकि बिहार में 2,50,472 में से 1,40,156 उपस्थित रहे। परीक्षा संपन्न होने के बाद अब एसएससी सीजीएल टीयर 1 के आंसर की का इंतजार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार के विभागों में लगभग 20,000 पदों पर नियुक्ति होगी। देश भर से करीब 71,00,000 युवाओं ने इस भर्ती का फॉर्म भरा है, यानी करीब 155 अभ्यर्थियों में से एक का चयन होगा। बड़ी खबर में देखिये, देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में पांचों बिहार के टॉप पर पहुंचा पूर्णिया। जहाँ देखिये, बिहार के शहर देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में टॉप पर है। बुधवार को केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित टॉप 5 शहरों में पांचों बिहार के। इसमें देश भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित पूर्णिया में है, जिसका इक्यूआई 450 दर्ज किया गया है। वही 400 से ज्यादा इक्यूआई प्रदूषण का खतरनाक स्तर माना जाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक ही होता है। वहीं देखिए, पूर्णिया के अलावा दरभंगा दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा है। बड़ी खबर में देखिए, रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा रिजल्ट की डेट घोषित, 24 दिसंबर को आएंगे नतीजे। जहां देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने कल 13 दिसंबर को ग्रुप डी भर्ती की परीक्षा के रिजल्ट की डेट घोषित कर दी है। आरआरबी ने बताया कि ग्रुप डी के लेवल 1 से 7 तक के लिए हुए परीक्षा का रिजल्ट 24 दिसंबर 2022 को घोषित किया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ग्रुप डी भर्ती के लिए सीबीटी का आयोजन कई चरणों में 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक किया गया था। इस परीक्षा से शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए सीबीटी का रिजल्ट प्रक्रिया में है। ग्रुप डी रिजल्ट को 24 दिसंबर 2022 तक घोषित किए जाने की संभावना है। उन्होंने आगे लिखा है कि जो भी अभ्यर्थी रेलवे ग्रुप डी भर्ती में सफल होने की आशा रखते हैं, वे आगे की भर्ती प्रक्रिया शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। देखिए, बिहार में मैट्रिक इंटर परीक्षा का डेट शीट और टाइम टेबल जारी। जहाँ देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2023 में होने वाले मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी सूचना के मुताबिक बिहार में मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी 2023 से, जबकि बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी 2023 से शुरू हो जाएगी। वहीं देखिए, बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की होने वाली परीक्षा का डेट शीट और टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्रा बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.government.in पर जाकर अपना डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक चलेगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।